झालावाड़ जिले के कस्बे सुनेल की दो ज्वलंत मुद्दे की मांग के संबंध में दिनांक 16 जनवरी को ज्ञापन दिया गया था। कोई कार्यवाही नहीं होने पर पुनः ज्ञापन प्रस्तुत कर मांग की गई। सुनेल कस्बे को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने एवं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनेल में रिक्त पदों पर 2 MD, 1 एनेस्थीसिया समेत 7 चिकित्सकों की नियुक्ति करने का 2 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि 15 दिनों में पूरी करने का श्रम करें, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री झालावाड़ जिले का सुनील कस्बे की सबसे बड़ी दो ज्वलंत समस्या की मांगों का ज्ञापन दिनांक 16 जनवरी 2023 को सेवा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसके संबंध में कार्यवाही नहीं की गई। पुनः ज्ञापन प्रस्तुत कर श्रीमान का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में राजस्थान की 14 नदियों में प्रदूषित पानी बताया गया है। इसमें से भवानी मंडी की पीपलाद नदी भी है, जबकि इसी नदी से सुनील कस्बे को पीने का पानी पिलाया जा रहा है। सुनील ग्रामवासियों को कई वर्षों से प्रदूषित पेयजल की सप्लाई की जा रही है। इस पेयजल को पीने से उपयोग करने से कई बच्चे, युवा, बुजुर्ग को चर्म रोग जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यह केमिकल युक्त पेयजल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस पीपलाद डैम से आपूर्ति सुनील कस्बे की जाती, उसकी जमीनी हकीकत यह है कि भवानी मंडी शहर भर की गंदगी के नाले, RTM मिल का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी का नाला, नून हॉस्पिटल का प्रदूषित पानी का नाला इस बांध में मिलता है, जिसके चलते बांध का पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट भी यह बताती है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। इस बात का खुलासा सांसद दुष्यंत सिंह की कनवाड़ी में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक्शन गौतम द्वारा किया गया था। जब सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को मानता है, तो फिर हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हम आपसे निवेदन करते हैं कि सुनील कस्बे को जल जीवन मिशन ग्रामीण में जोड़ने का कष्ट करने करें। सुनील क्षेत्र के समीप निकल रही राजगढ़ पेयजल योजना की पाइपलाइन के माध्यम से या पुराने स्थान रंगबाड़ी थाला दे आहू नदी का सांगड़िया आहू नदी से पेयजल सप्लाई करने का कष्ट करें, ताकि हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। दूसरी हमारी ज्वलंत समस्या है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी हाँ, सुनेल में चिकित्सक के स्वीकृत 11 पद हैं, उसमें से 7 पद रिक्त हैं। वर्ष के औसतन प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। यह इस खंड की सबसे बड़ी यह CSC है और करीब 100 से अधिक गांवों को जोड़े हुए है। पद रिक्त होने से सुनील एवं सुनील के समीप कई गांवों के मरीज परेशान हो रहे हैं। इस अस्पताल को सुचारू रखने के लिए कम से कम 2 MD, 1 फिजिशियन MD, 1 बच्चों का MD, 1 एनेस्थीसिया समेत 7 चिकित्सकों की आवश्यकता होती है। यह है पद रिक्त। विशेषज्ञ 4 पद, नेत्र रोग, बाल एवं शिशु रोग, जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन समेत 4 पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 1 पद, चिकित्सा अधिकारी 3 पद, चिकित्सा अधिकारी दंत 1 पद। निवेदन है कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनेल में रिक्त पदों पर कम से कम 2 MD, 1 फिजिशियन MD, 1 बच्चों का MD, 1 एनेस्थीसिया समेत 7 चिकित्सकों को नियुक्त करने का निर्देश प्रदान करें। श्रीमान से नागरिक विकास मंच सुनेल की ओर से अनुरोध है कि इन दो ज्वलंत मुद्दों का 2 सूत्रीय मांग पत्र की मांगें तो 15 दिनों के अंदर निस्तारण करने का कष्ट करें, अन्यथा मजबूर होकर नागरिक विकास मंच द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की रहेगी। BPN News संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।